एंड आई बैक विद अनदर वीडियो। तो भाई जैसे कि हर पिछली वीडियो में जब भी आपसे पूछा था कि मैं कौन सी बाइक दिखाऊं आपको, तो आपका जो होता था कमेंट कि एडवेंचर टूरर दिखाओ, तो उसी लिए आज हम लेके आ चुके हैं आपके पास टाइगर XRx 800। तो ये बाइक आज हम आए हुए हैं बाइक फैक्ट्री पे, और ये जो बाइक है वो बाइक फैक्ट्री की है, और आज हमारे साथ है प्रभात भैया। हेलो भैया, जो आज हमें सारी पूरी बाइक के बारे में बताने वाले हैं। और वैसे यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है भैया, आपके पास कौन सा स्टॉक होगा एक बार बता दीजिए। हमारे ना मल्टी ब्रांड है, इसमें हार्ली भी आती है, ट्रायम्फ भी आती है, ठीक है, और अपना देखेंगे आपने देखा होगा कि ओवर ओवर है, और पीछे रॉकेट 3 भी हमारे पास। बाकी और जो आपकी डिमांड थी फैट बॉय को लेके, यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप फैट बॉय देखना चाहते हो तो कमेंट करना कि मैं फैट बॉय की भी वीडियो बना के जाऊँगा। तो अगर आपको फैट बॉय देखनी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, या कोई और सी भी बाइक देखनी है तो वो भी ज़रूर बताना। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को, पहले आप सिनेमैटिक एंजॉय कर लो, फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सिनेमैटिक पसंद आए हो तो चलते हैं बाइक की तरफ। तो भैया आपको बाइक के बारे में बताएंगे, तो भैया स्टार्ट करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। जी फ्रंट पे ले आओ एक बारी कैमरा, फ्रंट पे ले आओ। तो ये जो बाइक है ट्रायम्फ टाइगर, ये XRx मॉडल है, बेसिकली ये क्रूज कंट्रोल वाला मॉडल है। तो इस बाइक में जो एक्सेसरीज लगी हुई है मैं उसको वो बताता हूँ आपको, कि सबसे पहले तो इसमें फ्रंट पीक लगी हुई है ट्रायम्फ की, उसके बाद इसमें अंदर जो हेडलैम्प्स लगे हुए हैं ये ट्रायम्फ के लगे हुए हैं, उसके बाद इसमें डिनाली के फॉग लेंस लगे हुए हैं, और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के लिए ये नीचे ट्रायम्फ के फॉग लेंस भी लगे हुए हैं। हवा से बचने, विंड ब्लास्ट से बचने के लिए इसमें विंड डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, आगे बड़ा विंड स्क्रीन है। जो टॉल राइडर्स होते हैं उनको विंड ब्लास्ट होता है हाईवे राइड्स पर, इसलिए ये लगा हुआ है। बिल्कुल आगे आ गया। और थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें एक क्रैश गार्ड लगा हुआ है, उसके नीचे ट्रायम्फ की सम प्लेट लगी हुई है जो आपके विंड पाइप्स को इंजन को प्रोटेक्ट करती है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आए तो इसमें एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्लिप ऑन स्टैंड है, वो बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से आता है इस बाइक में। ज़्यादातर सुपर बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं होता, बट ये इतनी बड़ी बाइक है, इतनी बिग बाइक है कि बिना सेंटर स्टैंड के तो कोई मतलब नहीं है। जी आप इसमें देखेंगे एक्सेसरीज में आपको मैंने सारी दिखाई दी है 2000, और इस बाइक की मैं आपके मेक मॉडल की बात करूँ तो ये 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और ये बाइक का किलोमीटर्स जो डन है वो है 26,000 किलोमीटर्स डन है ये। आपको एक बार इसकी साउंड सुना देते हैं, आपको मैं होप करता हूँ आपको इसका जो आवाज़ है साउंड बहुत अच्छा लगा हो। जैसा भूसा वूसा मैं आता करता हूँ वो सब नहीं आएगा, क्योंकि ये एडवेंचर टूरर बाइक है जो स्पेशली टूरिंग के लिए बनी होती है, आप अगर लद्दाख वद्दाख जाना चाहते हो उसके लिए बनी होती है। तो एक बार आपको प्राइस भी बता ही देते हैं, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, तो यार एक बार प्राइस बता दीजिए। तो जो भाई ने बात करी इसमें साउंड की, तो इसका जो साउंड है इसीलिए इतना अच्छा है क्योंकि इनलाइन 3 होती है, जो भूसा वगैरह की बात कर रहे थे वो इनलाइन 4 होती है, उसका साउंड इसीलिए अलग होता है, ये इनलाइन 3 है इसलिए इसका साउंड इस तरह का होता है। और इस बाइक के प्राइस की बात कर रहे थे यार, इस बाइक का प्राइस काफ़ी रीजनेबल रहेगा, ये बाइक आपको मिल जाएगी 7,35,000 रुपीज़ की। और भैया प्राइजेज नेगोशिएबल तो होते हैं, प्राइजेज नेगोशिएबल है, सारे प्राइजेज नेगोशिएबल, बट ज़्यादा मत करना यार। हाँ ज़्यादा मत, अगर आपको बाइक पसंद आई टाइगर 7.35 लाख में मिल रही है तो यार इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती। और अगर आप एक बार कॉन्टैक्ट करना चाहते हो भैया से या शॉप से, तो जो सारे डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही है, एक बार जाके चेक ज़रूर करें। बाकी यार एक बार जो बाइक के बारे में कुछ रह गया हो तो बता दीजिए फिर। तो यार काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे, बाइक किसी तरह की एक्सीडेंटल तो नहीं है, काफ़ी सारी क्वेरीज रहती है कस्टमर्स की। तो यार हम तो ये कहते हैं कि अगर आप हमारे से बाइक लेने में इंटरेस्टेड हैं
और आपको कोई भी मन में डाउट है तो प्लीज़ हमसे क्लियर कीजिए, तब भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज़ बाइक को कंपनी में पहले चेक कराइए, हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट लगता है तो आप इसको कंपनी में चेक करा सकते हैं। और मैंने आपको सिनेमैटिक में दिखाया, बाइक पूरी स्क्रैचलेस कंडीशन में थी, वाइट कलर में, अगर वाइट कलर पर स्क्रैच होता तो ईजिली दिख जाता आपको वीडियो में, पर बाइक पर कोई स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल क्लीन बाइक है। अगर आपको ये बाइक चाहिए तो बाइक फैक्ट्री पे आए, कॉल करके भी पूछ सकते हैं एक बार, और भैया यार सारा नेचर सबका काफ़ी अच्छा है, वीडियो बनाने के लिए इतना कोऑपरेटिव है, तो अगर आप खरीदने के लिए आओगे तो आप बाइक अच्छी डील क्रैक करके ही जाओगे। फेसबुक पे हमारा पेज है बाइक फैक्ट्री दिल्ली के नाम से, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, उस लिंक में डाल दूंगा, बाइक का पोस्ट विद डिटेल्स और विद एक्सेसरीज सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, आपको भाई लिंक में दे देंगे पेज का, सबको लिंक दे दूंगा। और इंस्टाग्राम अकाउंट कोई? इंस्टाग्राम भी है हमारा बाइक फैक्ट्री दिल्ली के नाम से, बाइक फैक्ट्री दिल्ली के नाम से, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जी जी, होप करता हूँ आपको ये टाइगर पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि आपको नेक्स्ट बाइक कौन सी देखनी है, आपकी अब कौन सी इच्छा है नेक्स्ट बाइक देखने की। और बाकी अगर आगे वीडियोज़ आएंगी भैया के साथ आती रहेंगी, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, सबके साथ वीडियोज़ आती रहेंगी, तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको फैट बॉय देखनी है तो कमेंट ज़रूर करना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ मिस्टरीबॉय व्लॉग्स विद प्रभात भैया, we are signing off for today, till then bye.